जो हमें इसके लिए इंग्रेडिएंट चाहिए चटनी के लिए, वो हम आपको दिखाएंगे। ऑनियन, टमाटो, व्हाइट तिल, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली और सॉल्ट, गार्लिक, उसको करेंगे हम मिक्स। इसको डालेंगे एक बाउल, लेंगे एक बाउल, इस बाउल में डालेंगे ऑनियन, गार्लिक, टमाटो, ग्रीन चिल्ली और व्हाइट तिल। व्हाइट तिल आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से डालो और रेड चिल्ली होल। इसमें डालेंगे पानी, और इसमें सॉल्ट भी डालेंगे अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद इसको अभी हमने ये कर दिया मिक्स और इसमें पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये सब हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। इसको हम चढ़ाएंगे अभी गैस में और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और गैस ऑन करेंगे। तो हमने तो गैस चला दिया है, इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। तब तक हम मोमोज की तैयारी के साथ, ये चटनी के लिए हमने जो बना था अभी मिर्ची, और ये हमने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया, इसको हम पीसेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि चटनी कैसी बनी है। और ये हमारी चटनी रेडी हो गई है, आप देख सकते कितना फाइन किया हमने। और इसको डालेंगे अभी हम बाउल पे, आप देख सकते हो कितना फाइन हमने किया है इसको, और काफ़ी अच्छी है, स्मूथ, कलरफुल।